ये हमारा बजाज चेतक स्कूटर, आज हम इसका ठीक करने वाले हैं स्पीड मीटर। इसका स्पीड मीटर नहीं चल रहा और ये शीशा भी इसका स्पीड मीटर का ख़राब हो रहा है, ये भी चेंज करूँगा। और मैंने इसका अभी बैक लाइट का शीशा भी चेंज कराया है, ये वाला तो मैंने सामान लाया हूँ थोड़ा सा, ये वाला टूट रहा था यहाँ से। और ये हैंडल की रबड़ भी डालूँगा इसमें, ये मैं शीशा लाया हूँ स्पीड मीटर का मिंडा का ओरिजिनल। और ये चेन और ये गरारी है छोटी सी, ये डालते हैं। मैं बताता हूँ आपको इसका मीटर खोलने के लिए, ये दो पेंच हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहले हमें दो पेंच खोल लेने हैं, सबसे पहले इसका शीशा बदलते हैं और मीटर को। हमने इसके दो पेंच खोल लिए हैं, लाइट बार आ गई है। अब मीटर खोलने के लिए इसमें दो पेंच अंदर लगे रहते हैं, किसी में पेंच कस वाले होते हैं, किसी में चाबी वाले। इसमें चाबी वाले है, एक येरा और एक येरा। ये हमें खोल लेना है, मैंने ढीले कर दिए थे, अब इन्हें खोल रहे हैं। इन्हें खोल के आपका मीटर बाहर आ जाएगा। एक पत्ती होती है इसमें मीटर में, रख देते हैं। अब इसका सिंपल सा वो है, मीटर आपका बाहर आ गया है। अब हमें ये दो पेंच है, एक और एक ये रहा, दो और एक पेंच इसमें ये रहा, ये तीन पेंच खोल लेते हैं। और मीटर भी चेक करने का मैं तरीका बताऊंगा कि मीटर ठीक है आपका ख़राब है। मैं ये पेंच खोल लेता हूँ, तो एक तीन पेंच खोल लिए है, एक दो तीन बारीक वाले पेंच कस से। तो ये मैंने पेंच खोल के इसका मीटर का शीशा खोल लिया है, मैं इसमें शीशा भी लगाऊंगा। अगर जो आपका स्पीड मीटर आपको पता करना है कि ठीक है ख़राब है तो कैसे पता करें, तो फ्रेंड एक बार एक सा पेंच कस ले लिए ऐसा, और यहाँ पे ऐसे लगाइए और ऐसे घुमाइए। अगर जो आपकी सुई हिल रही है, देखिए इसकी सुई हिल रही है, तो ये मीटर ठीक है। अब मैं इसका शीशा लगा देता हूँ चिपका कर बढ़िया तरह, जिससे पानी ना रहे। और फिर मैं इसकी मीटर की चेन चेक करूँगा, मीटर की चेन ये वाली, अगर जो ये ख़राब हो रही होगी तो इसे भी बताऊँगा मैं कैसे ठीक करें और कैसे चेंज करें इसे। ये रही इसकी मीटर की चेन, ये वाली। सबसे पहले मैं इसका शीशा चिपका देता हूँ लगा के, फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस मीटर की चेन मैंने अभी चेक करी, ये पुराने वाली है, मीटर की चेन हमारी ठीक है, मैं ये पुरानी लगाऊँगा। इसकी ये वाली गरारी चेक कर लेनी है आपको, अंदर वाली ख़राब तो नहीं हो रही। और मैं ये गरारी लाया था अभी, ये 20 रुपये की आई है, ये लगा के इधर से कैसे, और आपको टायर घुमा के देख लेना है कि घूमती है या नहीं। अगर ये घूम रही है तो आपका मीटर चल जाएगा, ये वाला देखिए घूम रही है, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पर ग्रीस करूँगा, इसे निकाल के इसमें ग्रीस लगा के यहाँ लगाता हूँ, और इसकी मीटर की चेन में भी ग्रीस लगा के उसमें फिरूँगा, ठीक है। चलिए ये मैंने मीटर की चेन इसमें फिरो दी है, देख सकते हो मेरी। अब मैं इसमें गरारी लगाता हूँ, इसमें ग्रीस करके, मैं ऐसे आपको ग्रीस कर लेना है ताकि आपकी गरारी फ्री घूमें,
इसमें मैं और ग्रीस लगा देता हूँ, तो ऐसे आपको इसमें लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये नट होता है यहाँ से 17 नंबर का, इसमें भी आपको अलग सा ग्रीस लगा देना है और इसके बाद इसे सिंपली टाइट कर लेना है। की चाबी से या पानी से इसे टाइट कर लेना है। अभी मीटर की चेन इसमें लगा के टाइट कर दें। इसे टाइट कर लेना है। अब देखते हैं घुमा के, टाइट ना चलना चाहिए। मीटर मैंने इसका बांध लिया है, मीटर हमारा चल चुका है। अब मैं आपको स्टार्ट करके चला के भी दिखाऊंगा। मैंने इसका एक तो ये शीशा बदला, 120 रुपये का ये शीशा आया इसका, मिंडा का ओरिजिनल। और मीटर की चेन, इसकी मीटर की चेन ठीक थी इसलिए मैंने वही लगा दी। इसके अंदर जो गरारी डली 20 रुपये की वो आई गरारी। एक मैंने इसका बैक लाइट का शीशा बदला, ये वाला ये फूट रहा था, 40 रुपये का यहाँ आया। और मैं इसके यहाँ हैंडल के ये भी लगाऊंगा, ये मेरे ख्याल से 35 रुपये या 30 रुपये के दिए थे उसने मुझे, सीनियर के मूल्य काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है। ये भी लगाऊंगा, मैं इसकी लाइट बांध के स्टार्ट करके आपको चला के दिखाता हूँ। ले जिए दोस्तों, हमारा मीटर चल चुका है पर अभी दिक्कत दिखा रहा है मीटर, क्योंकि भाग ज़्यादा रहा है, दिखा कम रहा है। ठीक है, अब तक के ज़्यादा 20 की स्पीड पर अटका हुआ है। मैं इसे खोल के देखूँगा इसमें क्या कमी है, क्या कमी रह गई, कहीं चेन तो स्लिप नहीं मार रही। बाकी किलोमीटर भी इसका चल गया है, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था किलोमीटर, फिर इसका चल गया।